एकजुट रह करके महागठबंधन के जो उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी जो है इनको मतदान कीजिएगा, तीर छाप पर बटन दबाने का काम कीजिएगा। मनोज जी आए थे लालू जी के पास, मुलाकात की इन्होंने, मनोज जी ने बोला लालू जी चाहे कोई गलती हुई हो भूल चूक हुई हो हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने इनको माफ किया और नीतीश जी के साथ मिलकर के इनको यहाँ का प्रत्याशी बनाने का काम। आप कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, आप लोग सब लोगों से, अपने लोगों से, सभी लोगों से, समाज के लोगों से हम अपील करने आए हैं। ये केवल कुर्मी का चुनाव नहीं है, ये देश की रूपरेखा तय करेगी कि आने वाला 24 में क्या होने जा रहा है। इसलिए आप सब लोग संकल्प ले लीजिए, एकजुट हो जाइए एक बड़े लड़ाई के लिए जो हम लोगों को लड़ना है। तो आप लोगों को कमर कसना पड़ेगा, अपने अपने बूथों पर तैनात रहना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि कुर्दी की जनता विकास पे वोट देगी, भाईचारे पर वोट देगी, अमन चैन पे वोट देगी। और कुर्दी विधानसभा का जो समस्या है उससे हम परिचित है, सभी समस्याओं का हम लोग जो है निदान करेंगे। और कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि कुर्मी की जनता अगर और कोई काम है तो आप लोग हमसे भी मिलकर के काम करवा लीजिएगा। सब लोग बैठे, कुशवाहा जी जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कुशवाहा जी को जिताइएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 5 तारीख को मतदान है, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने में लगेगा। आप देखे लालू जी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना उन्होंने नहीं टेका। तो इसलिए आप लोग सब लोग एक बात समझ गई, हम जानने आए, आप लोगों को बेरोजगारी पसंद है या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, बताइए। आप लोग बताइए, हाथ उठा करके बताओ। पिछला चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था कि नहीं किया था, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, गांधी मैदान के ऐतिहासिक जगह से 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख जो है सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम कराने का काम करेंगे। ईमानदारी से हम बताना चाह रहे हैं कि इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी ही आप देखिएगा केवल स्वास्थ्य विभाग से 1.5 लाख नौकरी जो है वो निकलने जा रहा है। और जल्दी हम लोग जो है लाखों की तादाद में सरकारी नौकरी जो है वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। नहीं, अब तो आते आते 1-2 महीना नहीं हुआ हम लोग नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिए, लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे। तो हम लोग जो हम लोगों का कमिटमेंट था पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, उसको जो है हम लोग निभाने का काम करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में एक नया बिहार हम लोग गढ़ने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का योगदान चाहिए, कुर्दी की जनता का साथ चाहिए। तो आप लोग बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो साथ मिलेगा, लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं तो बीजेपी का बी टीम जो है भाजपा का वो लोग घूम रहे, आज तक पूछे हैं कि काहे चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश में उन लोगों से पूछ रहा हूं, हैदराबाद का बाई इलेक्शन काहे नहीं लड़े, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जो उप
उपचुनाव हो रहा था वहां ना लड़ करके अपने राज्य में ना लड़ करके बिहार में चुनाव लड़ा। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।